वहीं भारतीय जनता पार्टी ने दुर्ग विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत को लेकर आम सभा कर कार्यकर्ताओं में भरा जोश। इस अवसर पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर सहित बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को दुर्ग के पुराना बस स्टैंड में एक दिवसीय आम सभा का आयोजन किया, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार हटाने सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर सहित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता आम सभा में शामिल हुए। इस दौरान आम सभा कार्यक्रम में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर मंच पर हेलमेट पहनकर बैठे नजर आए। नेहरू गांधी परिवार का यदि पालन पोषण होता है, कांग्रेस का यदि पालन पोषण होता है, तो छत्तीसगढ़ की अवैध वसूली से उनका पालन पोषण होता है। विरोध दर्ज कर दिया। यहां का गृह मंत्री ये समझ ले, मुख्यमंत्री जी ये समझ ले, वो अप्रासंगिक हो चुके। दुर्ग जिले में संसदीय लोकतंत्र समाप्त तो हो चुका, आलोचना के लिए स्थान नहीं बची। आलोचना कर रहे हो तो आज पत्थर चला है, कल गोली भी चलेगी। तो अब मैं हेलमेट उतार रहा हूं, जिस दिन गोली चलेगी चार बटन खोलूंगा। हम माननीय मोदी जी के चेले हैं, 56 इंच का सीना रखते हैं, उसकी गोली इतनी मजबूत नहीं बनी है अभी। उपेश बघेल को और कहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री यदि निवेश लेने जाते हैं तो छत्तीसगढ़ को कुचलने के लिए, उनको गोली लेने के लिए किसी दुनिया में खोजना पड़ेगा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को, छत्तीसगढ़ की जनता को खून सके, ये गोली दुनिया में अभी बनी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।